ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का, बता दें आपको भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में मंत्री विश्वास सारंग बाल बाल बचे हैं। देर रात टीकमगढ़ से लौटते वक्त यह हादसा हुआ, डिवाइडर से कार टकराने से हादसा हुआ। हादसे के वक्त परिवार के साथ मंत्री गाड़ी में सवार थे। विकास यात्रा कार्यक्रम से मंत्री सारंग लौट रहे थे। बड़ा हादसा चला है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ, बाल बाल बच्चे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री परिवार समेत वापस लौट रहे थे टीकमगढ़ से, जहां विकास यात्रा कार्यक्रम से मंत्री वापसी कर रहे थे। कार डिवाइडर से टकराई, हादसा हुआ, लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में मंत्री विश्वास सारंग बार बार बचे हैं। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। दुष्यंत, एक्सीडेंट हुआ है, कैसी है तबीयत? किसी तरह की कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हुआ, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जब देर रात की ये पूरी घटना है, जब देर रात को टीकमगढ़ से लौट रहे थे विश्वास सारंग, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं विश्वास सारंग, विकास यात्राएं लगातार सरकार की ओर से निकाली जा रही हैं, और विकास यात्राओं में शामिल होने के लिए कल परिवार के साथ में टीकमगढ़ पहुंचे थे। जब कल देर शाम को वहां से निकले और फिर देर रात सफर करके भोपाल उनको पहुंचना था, लेकिन रास्ते में ही अचानक से उनकी कार जो है वो डिवाइडर से जा टकराई और ये हादसा हुआ है। हालांकि परिवार के साथ में जब वो मौजूद थे, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है परिवार का या उनके स्टाफ का हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी कार है वो जरूर डैमेज हुई है। हालांकि पूरी जो कुशलता उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूछी है और लगातार उनके संपर्क में ही बने रहे। जिस तरीके से हादसा होने के बाद विश्वास सारंग दूसरी गाड़ी के साथ में भोपाल पहुंचे, लेकिन जो उनकी सरकारी गाड़ी थी उसको बड़ा वो डैमेज हुई है, और उसके बाद उसको क्रेन की मदद से स्टेट गैलरी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, उससे जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना मध्य प्रदेश से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकार रास्ते के देखिए सड़क के माध्यम से लगातार जो है मंत्री एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, लेकिन जब देर रात उनका सफर होता है तो उस दौरान इस तरीके की कई घटनाएं हो जाती है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, गोपाल भार्गव के साथ में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए जो कैबिनेट के मंत्री हैं, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए रहते हैं तो उनको व्यस्तताएं जरूर उनकी होती है, लेकिन उनको एक बात ये भी समझनी चाहिए कि देर रात सफर करने से उनको अपने आप को बचाना चाहिए, और जब सफर देर रात करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो हो जाती हैं। हालांकि इस पूरी घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी प्रकार से कोई भी चोट नहीं लगी है, लेकिन एहतियातन अस्पताल जरूर परिवार के साथ में विश्वास सारंग जाएंगे और अपना चेकअप जो है वो करवाएंगे। बिल्कुल, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि डिवाइडर से टकराने के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ी तो ड्राइवर ठीक ही चला रहा होगा, लेकिन अचानक से डिवाइडर से कार का टकराना, कोई वजह पता चल पा रही है? देखिए, कहा जा सकता है कि देर रात है, देर रात जब वो वहां से सफर कर रहे थे तो कई बार व्यक्ति दिन भर की काम काज के बाद इतनी थकान हो जाती है कि कई बार जो ड्राइवर्स हैं वो उनको नींद भी लग जाती है, या ये कहें कि ड्राइव करते हुए नींद आ जाने के कारण भी ये हादसा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी जो आई है वो यही कही जा रही है कि जो एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी डिवाइडर से टकराई है, लेकिन किन कारणों से टकराई है इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी घटना टल गई है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हालांकि किसी तरह के हताहत होने की किसी तरह की चिंता की खबर नहीं है, लेकिन आपको बता दें मंत्री विश्वास सारंग बाल बाल बचे हैं। देर रात घटना हुई है टीकमगढ़ से, जब अपने परिवार के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वापस लौट रहे थे, तभी ये घटना घटी है।